नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूं अपने चैनल सनी नाथ पर। स्वागत करता हूं सभी भावनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। काला इलम जानता है ये जिन्नात, शिफली अमल जानता है ये जिन्नात, यानी कि शिफली अमल में जैसे कि काली विद्या आती है, कई प्रकार का इलम आता है। तो कुछ जिन्नात, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो आगे से आपको इलम सिखाने और इलम देने की वो बोलते हैं कि क्षमता रखती है। तो उनमें से एक ये जिन्नात है, पावरफुल है। लेकिन इनकी साधना, इनकी व्याख्या, इनके बारे में बताना, सिर्फ ज्ञान पर्पज़ के लिए ही वीडियो दे रहा हूँ मैं आपको। पूर्ण रूप से गुरु स्निध में गुरु आज्ञा से ही आपने करना है, क्योंकि सर्वप्रथम एक निवेदन रहता है चैनल पर फर्स्ट टाइम इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, पहले पर क्लिक करना। तीन और चैनल है, गुरु रखना, शिव गुरु क्षण। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट के दुनिया में कोई मेरा गुरु को चेला का गुरु नहीं है। और मेरे द्वारा दी गई क्रिया करने से पहले मेरे दोनों पर अरदास लगवानी है, और पूर्ण रूप से आपने पहले विधि समझ लेनी है, फिर ही आपने इन मंत्रों का प्रयोग करना। गुरु है तो ही मिलेगा, गुरु नहीं है तो सर्वप्रथम आप पहले जो है गुरु बनाओ, गुरु सेवा करो, गुरु से जुड़ो, जैसे वो बोलते हैं उनकी आज्ञा की पालना करो, फिर उसके बाद आपने मंत्र तंत्रों का प्रयोग करना। ऐसे आपने इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। और बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, हमारे पेड ग्रुप में यार उसके प्रमाण फिर 11:30। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो जिन है, ठीक है ना, ये जिन की जो शक्ति है, देखो आपको बताऊँ, ये काले इलम के महारित है। ये एक ऐसी शक्ति है जो बोल सकते हैं आपकी आंखों के पीछे आती हैं, अग्नि स्वरूप में आती है। जैसे कि जब इस जिन्नात की साधना करते तो आंखों में हल्की हल्की जलन होती है, यानी कि आंखों में ऐसे लगेगा जैसे मिर्चियाँ डाल दी हैं, आंखों में ऐसे लगेगा जैसे आपकी आंखों में तपश हो रही है, आग लग रही है पीछे। तो ये उस टाइम प्रकट होगा आपकी आंखों के पीछे। फिर आप जब आंखें खोल कर कोई भी चीज़ देखते हो, संसार तो धुंधला हो जाएगा, लेकिन आपके सामने फिर इनकी माया चलेगी, जिनमें वो बोलते हैं ना, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे यक्ष हो, चाहे और जिन्नात हो। और सबसे बड़ी बात है, ये साधनाएं जो हैं ये आप जब करते हो, ये गुरु स्निध में करते हो। ये लोग वो करते हैं जो ग्रस्त से दूर होते हैं, जिन्होंने ग्रस्त में नहीं रहना, जो वैराग पंथ पर चलते हैं। वैराग पंथ की ये साधनाएं सिद्धियाँ हैं, ये जिन्नात को पकड़ना, जैसे कि अघोर पंथ की विद्या है उनमें है। तो इन साधनाओं को करने के लिए मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो जिगरा चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का। अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो आप इन साधनाओं को नहीं कर सकते हो। ये साधना में कई प्रकार के डरावने अनुभव आते हैं। पहले तो ये स्वप्न में आएगा, लेकिन कुछ समय बाद प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, समक्ष सामने खड़ा होता है, आपको खुली आंखों से दिखता है ये। अगर आपकी भक्ताई और आपका कर्म उस लेवल का है, अगर आप गुरु स्निध में हो और गुरु के दिए हुए नियमों पर आप चलते हो, इनके लिए जो माला का प्रयोग होता है, शिफली अमल का, वो बोलते हैं कि एक प्रयोग है ये, काले इलम का है तो काले हकीक की ही माला चलती है, काला ही आसन रहता है आपका। आप वाइट कुर्ता पजामा पहन सकते हो, वाइट धोती पहन सकते हो, उसके अलावा आप लाल रंग का कोई भी कपड़ा पहन सकते हो, नहीं तो आप काली धोती पहन के सर के ऊपर काला कपड़ा बांध के और बाकी तन पे कोई शरीर पे बताओ बाकी कोई कपड़ा नहीं पहनना, आपने ऐसे ही बैठना सिवाय एक लंगोट के। आपने ये साधना करनी है। ये जो जिन्नात है, जो आपको बता दूँ, ये मुसलमानी इल्म का एक हिस्सा है, इसका लिंक हिंदू देवताओं के साथ नहीं है, ये हिंदुओं के साथ नहीं चलता है, ये मुसलमानी इल्मों के साथ ही चलता है। तो इसमें क्या, जब ये आएगा तो ये आपके साथ फारसी लैंग्वेज में बात करता है। इनके जो भोग प्रसाद है वो घर से बाहर दीजिए, ये साधना घर पे आप नहीं कर सकते हो। इनका जो मंत्र, इनका कलाम है, इनका नाम ही होता है, उस नाम को आपने बार बार लेना होता है। ये ऐसा है कि ये गड़ा हुआ धन हो गया, सट्टे के नंबर हो गया, पैसा खींचने की क्षमता और समर्था रखता है। समर्था कैसा, कि ऐसा नहीं है कि आपने इनकी साधना सिद्धि करी और एक दिन में आप करोड़ों अरबों पति हो जाएंगे, ये भी बोलना नाजायज़ है, लेकिन ये अपने तरफ उस हर चीज़ को आकर्षित करता है जहाँ से आपको धन मिल सकता है, चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो किसी का लॉस हो, प्रॉफिट हो, इसको किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ आपके तक ही सीमित रहता है। इत्र लगते हैं इनको, मांस मदिरा का भोग लगता है। इनका जो कलाम है वह फलकत अजुनिया माम जूद, ये इसका नाम है, इसी नाम को, ये तीन शब्द ही आपने जपने होते हैं, इसी नाम से इसको पुकारा जाता है। साधना का पूर्ण विवरण गुरु स्निध में ही होता है। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। देश